न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं स्वाति और आई नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। मोर्टिनगंज तहसील क्षेत्र के छित्तेपुर यूनियन बैंक एटीएम से उचक्कों के कार्ड बदलकर 68,000 रुपया निकालने का मामला प्रकाश में आया है। सरायमीर थाना क्षेत्र के कुरियावा गांव निवासी बाल गोविंद राजभर पुत्र चहिंटू राजभर ने बताया कि वह मंगलवार को सुबह लगभग 10 बजे छित्तेपुर यूनियन बैंक के एटीएम से पैसा निकालने के लिए गया था। एटीएम के अंदर एक युवक पहले से खड़ा था, उसके मना करने के बावजूद भी वह एटीएम से बाहर नहीं निकला। वह बता रहा था कि मैं पैसे निकाल ही रहा था कि दो अन्य लोग भी एटीएम के अंदर आ पहुंचे। उसके बाद तीनों लोगों ने मेरे कार्ड को बदल कर एक दूसरा कार्ड देकर चले गए। मोबाइल पर मैसेज आने पर पता चला कि 68,000 रुपए निकाल लिया गया है। थाना अध्यक्ष सरायमीर शेर सिंह तोमर ने बताया कि तहरीर मिली है, घटना की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता प्रवीण यादव की रिपोर्ट। मैं प्रवीण यादव, फास्ट न्यूज इंडिया संवाददाता, दीदारगंज आजमगढ़। आज मार्टिनगंज तहसील के छित्तेपुर बाजार में एक व्यक्ति हैं जो इस समय मौके पर मौजूद है। इनके साथ एटीएम बदलकर जालसाजी का मामला है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाल गोविंद राजभर, ग्राम कुरियावा। मैं यहाँ एटीएम से पैसा निकालने आया था। इसमें पहले से एक व्यक्ति मौजूद था, जबकि मैं तीन तारीख को आया था। सुबह 10:10 पे आया था। उसके बाद इसमें इस एटीएम में एक व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। फिर मैं उसको एक दो बारी भगाया, वो भागा नहीं। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा जल्दी था, उसके बाद मैं एटीएम से पैसे निकालने लगा। फिर उसके बाद पैसे जब निकाला तो पता नहीं चला कि मैं मुझे क्या हो गया। फिर पैसे निकाला तो उसके बाद दो लोग एक एक करके फिर आ गए। उसके बाद जब आए तो मुझे ये नहीं पता चला कि मैं पैसा निकाला और निकाल के मेरा एटीएम कब चेंज कर लिए, क्या हुआ। उसके बाद मैं चला गया, उसके बाद वो लोग भी चले। अब आपके पैसे से कितना खाते से पैसे? मेरे खाते से पैसे 68,000 निकले। आपने सराय थाना अपने थाने को नजदीकी थाने को सूचना दिया? मैं सरायमीर थाने में SO साहब को भी और उनसे अवगत कराया, FIR के एप्लीकेशन दिया हूँ। FIR के लिए वो बोले थे और अभी FIR हुआ या नहीं अब आज पता चलेगा। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं। गुजरात के डोंग जिले के क्षेत्र केंद्र में साइंस फेयर का आयोजन किया गया। डोंग जिले के तहसील सुबीर में स्थित पिपलाई देवी केंद्र में साइंस फेयर का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्र शिक्षक अनिल भाई ठाकरे, साइंस फेयर के मुख्य संयोजक CRC हितेश भाई सोलिया, केंद्र की सभी 13 स्कूलों के मुख्य शिक्षक और सभी स्कूलों से आए हुए बच्चों ने प्रदर्शनी में 4 चांद लगा दिया। गुजरात से हमारी संवाददाता भगत रुवीना बेन रायाजी भाई की रिपोर्ट। गुजरात के डांग जिले के सुबिर तहसील में पिपलाई देवी केंद्र में आज साइंस फेयर का आयोजन किया गया था, जिसमें वहां के केंद्र शिक्षक श्री अनिल भाई ठाकरे जी और केंद्र के CRC श्री हितेश भाई सूर्या ने बहुत ही अच्छी तरह बच्चों को ज्ञान दिया कि साइंस का क्या लाभ है, क्या नुकसान है। साथ में केंद्र के 13 स्कूलों के मुख्य शिक्षक श्री भी उसमें उपस्थित रहे और फास्ट न्यूज इंडिया के स्टेट इंचार्ज श्रीमती रुबीना सोलंकी जी को वहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर बिठाया गया था। बहुत गर्व की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ के चेवार पब्लिक स्कूल में जब फास्ट न्यूज इंडिया की टीम पहुंची तो यहां के मास्टर से कुछ पूछना चाहा तो कैमरे के सामने बचते हुए नजर आए और कहने लगे कि जाइए यहां से और ये विद्यालय की मान्यता 5 तक है, मौके से इंटर तक चलता है। जब इसके बारे में फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने पूछा तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आखिर ऐसे दबंग मास्टर के खिलाफ प्रशासन कब कार्रवाई करेगा? आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। शुभ नाम क्या है आपका? आपका शुभ नाम? मैनेजर सर्वे सर्वा। नहीं, आप कौन है यहाँ पे? कह तक विद्यालय चल रहा है आपका यहाँ पे? पहले बैठिए आप, हम वार्तालाप करिए, फिर उसके बाद जो है बात करें। हम क्या पूछ रहे पहले वो बताइए आप। इल्लेगा नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया संवाददाता और ये विद्यालय चेवार है। मास्टर साहब यहाँ मीडिया के लोग पहुँचे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जाइए यहाँ से हटिए और आप देख सकते हैं और ये जो है इंटर तक विद्यालय इनका चल रहा है।
हाँ, और विद्यालय मौके पे ही चला रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हैं, और ये जो है मौके पे विद्यालय यही चला रहे हैं, और ये जो मीडिया से अभद्रा का जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और ये जो है 5 तक मान्यता है इनकी, और ये विद्यालय चला रहे हैं इंटर तक। यश उस्मानी, फास्ट न्यूज से, कैमरामैन महेंद्र कुमार के साथ। ये था अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रामीण अभियंता विभाग शाहजहांपुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लॉक प्रमुख विकास खंड सिंधौली शाहजहांपुर से सुनीता यादव, पति फिरोज सिंह उर्फ कल्लू व प्रधान ग्राम मोर्चा अरुण दीक्षित व पूर्व प्रधान राकेश यादव ग्राम सैजना की तरफ से स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद का फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। आजमगढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मौलागापुर में हेडमास्टर कपिल देव ने बताया कि हमारे विद्यालय में चोरी की घटना हुई है, जिसमें गैस सिलेंडर, किताब और अनेक सामान गायब हुए हैं। इसकी सूचना उन्होंने थाने में दे दी है, बाकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम कपिल देव है, मैं यहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा अच्छा, ये जो चोरी हुई विद्यालय में, क्या मामला है पूरा ये? सर, हमारे विद्यालय में अक्सर जो है, मैं लगभग यहाँ 8 सालों से हूँ जी, लगातार जो है कि मुल्लापुर में इस विद्यालय पे चोरी होते रहती है। अच्छा। हाँ, अक्सर ताले टूटते रहते हैं जी, और मेरे प्रभारी होने में ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जी जब चोरी हुई है। क्या क्या गायब हुआ इसमें, चोरी हुई आपका? अभी जो लेटेस्ट चोरी हुई है, इसमें तो हमारी पुस्तकालय की कुछ किताब आई हुई थी जी, पूरी किट रखी हुई थी, पूरी किट गायब हो गई है, साथ ही खेल की कुछ सामान भी गायब है, जैसे बैडमिंटन है, रस्सी कूद है, और हवा भरने की मशीन है फुटबॉल में। गैस चूल्हा वाला भी गायब हुआ है? गैस चूल्हा तो इस बार नहीं, लेकिन इससे पहले जब चोरी हुई थी तो एक सिलेंडर गायब हुआ था। अच्छा अच्छा, आपने सूचना दी इसकी कहीं? हाँ, मैंने जब जब चोरियां हुई है जी, मैं तीनों बार जो है सूचना, पुलिस आई थी मौके पे? मौके पे पुलिस भी आई है, जांच भी की थी। कोई कार्रवाई हुई इस पे? किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह की कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई, यही कारण है कि बार बार ऐसी वारदात जी जी। आजमगढ़ के थाना देव गाँव में मनाया गया थाना दिवस, इस मौके पर सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। अरे बिताना होता है तो आज खाना आवत आवत आपका शुभ नाम? अच्छा, कितने मामले आए हैं अभी तक? अच्छा अच्छा जी जी। ये सभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही है फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।